कानपुर में लूट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने नई पहल शुरू की है। साथ ही पश्चिम जोन के सभी थानों में उड़न दस्ते भी बनाए गए हैं, जो कि सादे कपड़ों में तैनात पुलिस जवान भोर के लुटेरों पर नजर रखेंगे, मॉर्निंग वॉकर्स को सुरक्षा का एहसास कराएंगे। बता दें, शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में बढ़ रही लूट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ये उड़न दस्ते बनाए गए हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों में एवं मॉर्निंग वॉकर्स वाले इलाकों में भी तैनात रहेंगे। इसके साथ ही सभी थाना क्षेत्र में सुबह शाम चेकिंग करेंगे। डीसीपी पश्चिम विजय ढोल ने बताया कि सादे कपड़ों में उड़न दस्ते के साथ कुछ ही दूरी पर ही खाकी पहने जवान भी तैनात रहेंगे। जनपद कानपुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें कई घटनाओं का अनावरण भी हो चुका है। अभी दो दिवस पहले ही एक परिवार के साथ मध्यरात्रि के समय एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसमें दो व्यक्तियों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया और उनसे उनकी महिला का जो लूटी संपत्ति थी वो भी बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त अन्य घटनाओं में भी उनकी संलिप्तता थी, उसमें भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि अर्ली मॉर्निंग में कई घटनाएं हुई हैं। इसके लिए सुबह के समय जो लोग अपने कुछ घूमने के लिए या सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, उनके लिए हमने एक विशेष हर थाने से मोटरसाइकिल पे सादे में और वर्दी में पुलिस की टीम्स बनाई हैं, जो कि उन सब क्षेत्रों में भ्रमणशील रहती है जहाँ पर अक्सर लोग घूमने जाते हैं या अपने सुबह के कार्यों के लिए जाते हैं। इन सब टीम्स के द्वारा उन सब क्षेत्रों में नज़र रखी जा रही है और जो भी संदिग्ध व्यक्ति मिलते हैं, विशेषकर मोटरसाइकिल सवार, उनको चेक किया जाता है।